कालू साहब श्री श्री रविशंकर को भंसाली ने फिल्म दिखाई और उन्होंने फिल्म की तारीफ की और उन्होंने कहा लोगों को इसे देखना चाहिए। श्री श्री रविशंकर ने जो मैसेज दिया है इसके आप क्या? ये मैसेज इधर भी दे रहा है भंसाली, भंसाली ने ये नाटक इसलिए रचा है कि कर्णी सेना को हम उग्रवादी, बिना दिमाग वाली, हम किसी की बात नहीं मानने वाली एक संस्था के तौर पर बता दें, ये दिखाना चाह रहा है। तारीख स्पष्ट कर दे, दिखाने वालों की बात मान लेगा ये तय कर दे, दिखा दे। भंसाली फिल्म रिलीज करते हैं, सीबीएफसी फिल्म रिलीज करता है, 25 तारीख को फिल्म रिलीज होती है, और अगर कोई हिंसा हुई तो उसका नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए इसमें नैतिक और अनैतिकता क्या है, जब अपना अपना अधिकार क्षेत्र है विरोध प्रकट करने का, ठीक है कुछ लोग उग्र हो जाते हैं, अभी शब्दों से ही हैं, सर काट लाएंगे, कितने काट लिए अभी डेढ़ दो महीने में, डेढ़ साल में, अभी तक तो एक भी सर नहीं कटा, नाक काट लाएंगे, कितने स्टॉक है हमारे नाक, मेरे गोदाम में तो एक भी नहीं है, मेरे अध्यक्ष के गोदाम में भी नहीं होता एक भी, बहुत अनुशासित है, पर ऐसा नहीं है कि हम तलवार और बंदूक चलाना नहीं जानते, पर हम चाहते हैं प्रजातंत्र में जो भी व्यवस्था है, अभी आज बहुत चर्चाएं चलती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मेरी भी स्वतंत्रता है कि मैं भी विरोध करूं, और उसमें ठीक है 19-20 कुछ हो जाए अलग बात है, बाकी बहुत अनुशासित तरीके से अभी पूरे देश में जनता कर्फ्यू, हर पिक्चर हॉल पर जनता कर्फ्यू लगाने के लिए हम तैयार हैं, तत्पर हैं। खानवी साहब जिस तरह सत्याग्रह की आप बात कर रहे हैं, लोग इस बात को समझ नहीं पाते, ये कोई डील है, आप इतना एश्योर्ड क्यों हैं कि फिल्म नहीं आएगी? देखिए न तो हमसे किसी से डील करनी है, अभी भंसाली का एक पत्र आया साल भर बाद, मैं बार बार कहता हूँ कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पर ये तो ऐसा भूत है जो लातों से भी नहीं मानता, दुर्भाग्य है उसको साल भर बाद में याद आया कि अच्छा कर्णी सेना भी है, कर्णी सेना है तो उसको फिल्म दिखाओ। लेकिन लेकिन आप जौहर की बात कर रहे हैं, आप गिरफ्तारी और गोली की बात कर रहे हैं, तो फिर आप ये बात क्यों नहीं कर रहे कि आप हाथ उठा के उनका सामना करें, सीना ताने क्यों खड़ा है राजपूत समाज, पूरा राजपूत समाज आपको देख रहा है कि आप सीना ताने खड़े हैं, आप सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं हिंसा हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए जिम्मेवारी की बात तो तब आएगी जब होगी, जब कुछ हो ही नहीं रहा है, फिल्म हॉल वाला अपनी मर्जी से बंद कर देगा फिल्म हॉल, तब फिर फिल्म लगेगी किससे, और जब फिल्म लगेगी नहीं तो फिर हिंसा किस बात की होगी?